अंकल, मेरा बिल कितने का हुआ? भोजन करने के बाद राजेश ने थोड़ी देर तक टेबल पर ढाबे के कर्मचारी का इंतजार किया, लेकिन बिल ना मिलने पर वो भोजन का बिल चुकाने सीधा काउंटर पर पहुंच गया। काउंटर पर मौजूद लगभग 60 वर्ष के गुरमीत जी ने राजेश को गौर से देखा। लगता है आप यहाँ नए आए हैं। जी अंकल, मैंने आज ही यहाँ इस राइस मिल में मैनेजर के पद पर ज्वाइन किया है। आपको हमारे ढाबे का भोजन कैसा लगा? जी, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन आपके ढाबे के कर्मचारी मुस्तैद नहीं है। यहाँ कोई भी आदमी भोजन कर बिना बिल चुकाए यूं ही चला जाए, तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी बात सुनकर गुरमीत जी मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, लेकिन राजेश ने अपनी बात पूरी की। अब मुझे ही देख लीजिए, भोजन करने के बाद मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कि कोई तो बिल लेकर आए, लेकिन कोई नहीं आया, इसलिए मैं खुद ही यहाँ काउंटर पर बिल चुकाने चला आया। ये कहते हुए राजेश ने अपनी जेब से बटुआ निकाल लिया। बेटा, असल में मेरे ढाबे का ये नियम है कि यहाँ भोजन करने वालों को भोजन का कोई बिल नहीं दिया जाता है। मैं कुछ समझा नहीं। यहाँ भोजन करने वाला हर ग्राहक खुद आकर काउंटर पर भोजन का स्वाद बताकर अपना बिल चुका जाता है। लेकिन अंकल, पता कैसे चलेगा कि भोजन का बिल हुआ कितने का? आपके यहाँ तो कोई मेन्यू कार्ड भी नहीं है। बेटा, मेन्यू कार्ड की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ भोजन करने 100% भूखे लोग ही आते हैं, और भूखे आदमी के लिए भोजन मायने रखता है, मेन्यू कार्ड नहीं। अंकल, मेरे भोजन का बिल कितना हुआ ये तो बता दीजिए। 5 रुपए। मात्र 5 रुपए? राजेश को मानो विश्वास ही नहीं हुआ। आखिर कोई इतना स्वादिष्ट भोजन भला 5 रुपए में ग्राहक को कैसे खिला सकता है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पापड़ सबका मिलाकर मात्र 5 रुपए अंकल। हाँ बेटा, यहाँ भरपेट भोजन का बिल मात्र 5 रुपए ही होता है। अंकल, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। इतनी महंगाई में आप इतना सस्ता ढाबा कैसे चला लेते हैं? ऊपर वाले की कृपा है बेटा, जो जीवन भर कमाया है वो सब यहीं छोड़कर जाना है, फिर क्या सस्ता और क्या महंगा। ये कहते हुए गुरमीत जी ढाबे पर भोजन करने के बाद काउंटर पर अपना बिल चुकाने आए एक मजदूर से बातें करने लगे। राजेश मन ही मन कुछ सोचने लगा, और उस मजदूर के वहां से जाते ही राजेश ने गुरमीत जी से एक और सवाल पूछ लिया। अंकल, इतना सस्ता भोजन खिलाने के पीछे कुछ तो वजह रही होगी। हाँ बेटा, वजह तो है, बताइए ना अंकल। राजेश जिद कर बैठा तो गुरमीत जी ने उस राइस मिल के सामने खड़े ट्रक पर धूप में चावल की बोरियां लादते मजदूरों की ओर इशारा किया। बेटा, ये मजदूर जितनी भारी अनाज की बोरी अपनी पीठ पर उठा लेते हैं ना, उनकी दिन भर की कमाई इतनी नहीं होती कि वो बोरी भर अनाज खरीदकर अपने घर ले जा सके। दिन भर मजदूरों के बीच रहने वाला राजेश गुरमीत जी की बात से सहमत हुआ, लेकिन गुरमीत जी उसे आगे बताने लगे। बेटा, मजदूर अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश में अक्सर खुद भूखा ही रह जाता है। आप सही कह रहे हैं अंकल, अगर आपका ढाबा हमारी राइस मिल के बगल में नहीं होता तो जेब में रुपए होते हुए भी शायद आज मैं भूखा ही रह जाता। राजेश बखूबी जानता था कि चाय बिस्किट से दिन तो कट जाता है, लेकिन वास्तव में भूख नहीं मिटती। उसकी बातों को सुनकर गुरमीत जी मुस्कुराए। मेरे पिताजी मुझसे हमेशा एक बात कहते थे कि जो लोग अपने दिन भर की कमाई से कई बोरी अनाज खरीद सकते हैं, उन्हें आगे बढ़कर किसी गरीब की मदद जरूर करनी चाहिए। आपके पिताजी की बात से मैं भी सहमत हूं अंकल। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक और बात पूछ सकता हूं अंकल? जरूर पूछो। इतना सस्ता ढाबा चलाने में आपका मुनाफा क्या होता है? सामने ढाबे की चारपाई पर बैठकर भोजन कर रहे मजदूरों की ओर देखते गुरमीत जी मुस्कुराए। भोजन कर तृप्त हो रहे इन मजदूरों के खिले हुए चेहरे ही मेरा मुनाफा है। उनकी बात सुनकर राजेश पल भर के लिए निशब्द हो गया, लेकिन आज अचानक गरीबों के एक फरिश्ते से मिलकर वो भी पहली बार खुद को इतना तृप्त महसूस कर रहा था। अंकल, ज्यादा तो नहीं, लेकिन अपनी कमाई से एक बोरी अनाज खरीद कर किसी जरूरतमंद को दान करने में मैं भी कहीं ना कहीं जरूर सक्षम हूं, लेकिन एक बोरी अनाज किसी एक जरूरतमंद को देने से अच्छा है कि मेरा किया हुआ ये दान आपके ढाबे की रसोई के माध्यम से कई जरूरतमंदों के पेट में जाए। ये कहते हुए राजेश ने अपने बटुए से एक 500 का नोट निकालकर काउंटर पर रख दिया। मेहनतकश मजदूरों को अपने ढाबे पर मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाने वाले गुरमीत जी अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े एक नौजवान द्वारा सच्चे हृदय से किए गए दान को स्वीकार करने से
इनकार ना कर सके। दोस्तों, स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।